तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर किन किन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, किन किन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किसी भी टोल प्लाजा के ऊपर जो है कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में कोई भी टोल प्लाजा हो, किसी भी स्टेट का हो, तो उस चीज़ के अंदर जो है किसी भी टोल प्लाजा के ऊपर उन्हें कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, बल्कि हम अगर बात करें आम पब्लिक की, तो हर एक व्यक्ति को जो है हर एक टोल प्लाजा के ऊपर जो है टोल टैक्स देना पड़ता है एक दूसरी स्टेट के अंदर जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज आप भी ये जान लीजिए कि किन किन लोगों को जो है इंडिया के अंदर किसी भी टोल प्लाजा के ऊपर कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इंडिया में चल रहे दिन प्रतिदिन कानून की जानकारी लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम जो है इस लिस्ट के अंदर वो आता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। दूसरे नंबर पे नाम आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। तीसरे नंबर पे नाम आता है एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का। और चौथे नंबर पे बात आती है जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हैं या किसी भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, सबको जो है इस लिस्ट के अंदर एग्जेम्प्ट किया जाता है। और पांचवें नंबर पे बात आती है गवर्नर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, MLAs या फिर जो है फॉरेन डिग्नेटरीज की। और इसी के साथ साथ जितने भी पर्सनल्स होते हैं एक आर्म्ड फोर्सेस के या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सबको जो है इस लिस्ट के अंदर एग्जेम्प्ट किया जाता है। चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी सोल्जर्स होते हैं, कोई भी एयरमैन होता है, सबको जो है इस लिस्ट के अंदर जो है एग्जेम्प्ट किया जाता है। और इसी के साथ साथ जितने भी गारंटी अवार्ड विनर्स हैं उनको भी जो है इस लिस्ट के अंदर एग्जेम्प्ट किया जाता है। और इसी के साथ साथ जितनी भी एमरजेंसी व्हीकल्स हों, चाहे वो एम्बुलेंस हो या चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर हो, सबको जो है एक टोल टैक्स के ऊपर एग्जेम्प्ट किया जाता है। यानी कि उनको जो है कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता किसी भी टोल प्लाजा के ऊपर इंडिया के अंदर। और अगर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंप्लेंट बॉक्सेस की, तो उन कंप्लेंट बॉक्सेस के अंदर जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट देखी जाती है वो देखी जाती है आर्म फोर्सेस के पर्सनल की या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के कोई भी सोल्जर द्वारा या फिर ऑफिसर द्वारा, जिसके अंदर उन ऑफिसर्स ने ये बोला है कि उनसे जो है कई बार टोल प्लाजा के ऊपर जो है टोल टैक्स चार्ज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ के अंदर हम ये बताना चाहेंगे कि इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 सेक्शन 3 क्लॉज ए के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी जो है ऑफिसर हो या कोई भी एयरमैन हो या कोई भी सोल्जर हो, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो या नेवी का हो, सबको जो है इंडिया के अंदर कोई भी टोल प्लाजा हो उसके ऊपर कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें जो है इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 के अंदर ये लिखी हैं। और इसी के साथ साथ सेक्शन 3E इस एक्ट का ये कहता है कि अगर कोई भी फैमिली मेंबर है किसी भी डिफेंस पर्सनल्स का, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सबको जो है टोल टैक्स के ऊपर एग्जेम्प्ट किया जाएगा। उनको भी जो है इंडिया के अंदर किसी भी टोल प्लाजा के ऊपर कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है, चाहे बेशक वो आर्मी के हैं या एयरफोर्स के हैं या नेवी के हैं। किसी भी एक ऑफिसर के कोई भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो है एक राहत मिलती है टोल टैक्स ना देने की। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आज इस वीडियो में आपने ये जाना कि किन किन लोगों को जो है टोल प्लाजा के ऊपर फ्री में ही जाने दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।